नेचर फर्स्ट, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट टुडे आई हैव फॉर यू, ये कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इसे कवर कर ले। एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा है जिसका नाम है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, एंड दिस प्ले हैज बीन रिटन बाय हु, दिस प्ले हैज बीन रिटन बाय यूजीन ओनील। जो यूजीन ओनील है ये अमेरिकन ड्रामेटिस्ट रहे हैं, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, एक पॉइंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यूजीन ओनील का जो ड्रामा है या जिस पैटर्न पे उन्होंने ड्रामा लिखा है वो एक पार्टिकुलर मूवमेंट से इन्फ्लुएंस है, दैट वाज द एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड यू कैन से विद अ पार्टिकुलर मूवमेंट एट द नेम ऑफ द मूवमेंट वाज एक्सप्रेशनिज्म, EXPRESSIONISM। इस मूवमेंट से वो काफी इन्फ्लुएंस थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ये प्ले है, इस प्ले के अलावा आज हो सकता ना रहा हो या ना हो, पहले जो है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में, अपनी यूनिवर्सिटी में एक इनका ड्रामा चलता था जिसका नाम था डिजायर अंडर द एल्प्स। एक और उनका बड़ा फेमस ड्रामा रहा है डिजायर अंडर द एल्प, ये भी प्ले हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा। लेकिन इन सब से हट करके वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो ये टाइटल है ये शो कर रहा है कि सब कैरेक्टर्स के लिए जो है जो उनकी जो लॉन्ग डेज उनका जर्नी, दिस जर्नी इज नॉट द जर्नी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, इट्स अ यू कैन से व्हाट जर्नी, द अर्थली जर्नी। और जो मॉडर्न एज है दैट इज द एज ऑफ मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो कौन सा प्रॉब्लम है, रिश्तों को निभाने की प्रॉब्लम है, वो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे इसमें जो एक थीम लिया गया है तो थीम क्या है, दैट इज द एलियनेशन, एलियनेशन एंड एलोनलीनेस। और भी चीजें आ सकती है लेकिन ये एक बेसिक थीम है, एलियनेशन एंड एलोनलीनेस। दूसरा एक पॉइंट आपको ड्रामा में देखने को मिलेगा, खास करके जो कैरेक्टर मेरी है जो माँ का रोल अदा की है, एक और पॉइंट मिलेगा नॉस्टैल्जिया, जिसे अपने पास्ट से प्यार है, प्रेजेंट से वो खुश नहीं है और उसको अपना फ्यूचर भी ब्राइट नहीं नजर आता है। तो एक पॉइंट आपको इस ड्रामा में और क्या देखने को मिलेगा, नॉस्टैल्जिया। सो देयर आर थ्री ऑफ फोर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, देयर थ्री ऑफ फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सब लोगों को माइंड में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि दिस प्ले हैज बीन रिटन बाय यूजीन ओनील who was an American dramatist, number one point. He was much influenced by a particular movement, and what was that movement? That was the expressionism. और जो long days journey into night है, यह एक ऐसा play है where in which you can see autobiographical element to some extent. You can see what? You can see autobiographical element. एक एलिमेंट आपको नजर आएगा, पूरी कहानी ऐसा लगेगा कि खुद जो है यूजीन ओनील के जीवन से जुड़ी हुई, उनकी फैमिली से जुड़ी हुई कहानी है। उनकी फैमिली में खास करके उनके फादर के बीच में और माँ के बीच में जो रिश्तों की तलखी थी, जो बिटरनेस था इन रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फादर, दैट पार्टिकुलर बिटरनेस और दैट पार्टिकुलर तलखी यू कैन जस्ट सी वे, यू कैन जस्ट सी हियर इन दिस रिलेशनशिप दैट इज मेरी और एडवर्ड के बीच का रहा, मेरी एंड टायरॉन के बीच का रहा। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे वो आपको नजर आएगा। तो जो रिलेशन है पेरेंट्स के बीच का, स्पेशली जो बिटरनेस है या एक तरह से जो स्वीट एटमॉस्फेयर का रिलेशन नहीं है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड इवन इन द लाइफ ऑफ हुम, इवन इन द लाइफ ऑफ यूजीन ओनील, उनके पेरेंट्स में भी ऐसा रहा। इस ड्रामा को आपको इस एंगल से भी समझना है। तो ड्रामा को वेर एवर यू गो, हम ये नहीं कह सकते कि ये ड्रामा,
किसी तरह का आई कार्ड से कि दैट कि ये जाबा है, ये किसी तरह का आप कहिए कि जस्ट लाइक एनी ट्रेजिडी ऑफ विलियम शेक्सपियर आर हीरोइक ट्रेजिडी, जहां पे आपको ब्रेवरी नजर आएगी. यू डोंट सी हियर ब्रेवरी, यू डोंट सी हियर करेज, यू डोंट सी हियर व्हाट, यू डोंट सी हियर समथिंग यू कैन से कि जस्ट लाइक यू कैन से बोल्डनेस आर कैरेक्टर इज डेस्टिनी आर डेस्टिनी कैरेक्टर. यू डोंट फाइंड दीज कॉन्सेप्ट. इवन अरिस्टोटेलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चीजें आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि आप कह सकते हैं कि सोफोक्लिस की ट्रेजिडी वगैरह में. इट्स अ सिंपल मॉडर्न प्ले बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्सप्रेशनिज्म. नंबर वन पॉइंट एक्सप्रेशनिज्म. मैं आपको न्यू क्लास पे बात करूंगा, यहाँ पे अभी मैं आपको उसके साथ मैं नहीं चाहता कि वी हैव टू वेस्ट आवर टाइम देयर. मैं आपको उसके लिए एक अलग क्लास लूंगा. जब मैं बायोग्राफिकल स्टडी यूजीन ओडील का करूंगा तो मैं एक्सप्रेशनिज्म बताऊंगा. टुडे आई हैव ओनली टू कंसेंट्रेट टू कवर ओनली एंड ओनली लॉन्गेस्ट जर्नी इन टू राइट. देन यू सी व्हाट, ये जो प्ले था यूजीन ओडील ने लिखा, लिखने के बाद उन्होंने ये कहा था अपनी वाइफ से या फैमिली मेंबर से कि मेरे मरने के 25 साल बाद एक प्ले पब्लिश होना चाहिए, उसके पहले नहीं पब्लिश होना चाहिए. ये उनकी ख्वाहिश थी यूजीन ओडील का. उसके पीछे क्या राज था, क्या वो चाहते थे, वो शायद ये चाहते थे कि उनके जीते जी जो है उनकी फैमिली की सच्चाई लोगों के सामने ना आए, या मेरे मरने के जब 25 साल हो तो जो 25 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन होता है डेथ का, उस समय एक वर्क मेरा मार्केट में आए. कुछ भी हो सकता है, उनके उनकी नीयत क्या थी वी डोंट नो. लेकिन जब भी हम किसी ड्रामा को समझते हैं तो 3-4 आस्पेक्ट हमें समझना चाहिए, किसी भी नॉट ओनली ड्रामा बट एनी पीस ऑफ लिटरेचर. सबसे पहले उसका जानरा क्या है, जानरा आपका क्या है. जानरा अगर आप देखेंगे कि इट्स अ प्ले टाइप ऑफ प्ले, यू कैन से अगर 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 यहाँ पे देखने की कोशिश की जाए, यह एक ऐसा प्ले है जहाँ पे यू सी व्हाट, यू सी समथिंग ट्रेजिक एलिमेंट है बट इट्स अ मॉडर्न टाइप ऑफ ट्रेजिडी. और जो मॉडर्न ट्रेजिडी है उस मॉडर्न ट्रेजिडी में यू डोंट सी द कटिंग ऑफ द थ्रोट ऑफ द एनिमीज और किलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, मर्डरिंग, डिसमेइंग एटमॉस्फेयर, फियरफुल एटमॉस्फेयर, नो नॉट एट ऑल. वैसा नहीं है जैसा कि हम जो है बैटल फील्ड में देखते हैं या फिजिकल जो एक वॉर होता है, जो वॉर का कॉन्सेप्ट है, वैसा जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है. इट्स एन अदर टाइप ऑफ प्ले जहाँ पे एक विचारों का युद्ध है, विचारों का युद्ध है, आइडियोलॉजीज का क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है. और जब आइडियोलॉजीज मैच नहीं खाती है तो इंसान कई दफे मरता है. एक मरना तो ये है कि कटिंग द थ्रोट ऑफ द एनिमी, ठीक है, फिजिकली ही इज डेड. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डाइंग ऑफ नोशन है, यहाँ पे डेथ ऑफ आइडियोलॉजीज है, किलिंग ऑफ आइडियोलॉजीज है, उसका मर्डर है. और वो जो मर्डर है वह कई तरह के आप कहते हैं कि पशु पेश में घुटन जैसा एक एहसास होता है. यू सी हियर सफोकेशन. तो मॉडर्न एज में जो भी एलिजीज लिखी गई है या मॉडर्न एज में जो भी दिखाया गया है, यू सी व्हाट, यू सी कि उसमें सो मेनी थिंग्स यू फाइंड देयर. और उसमें उसमें क्या दिखाया गया, किलिंग ऑफ आइडियोलॉजीज है और इन सब चीजों को वहां पर देखने को आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि देयर आर 3 or 4 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. क्लैश ऑफ आइडियाज, आइडियाज का क्लैश है. और क्लैश ऑफ आइडियाज के अलावा जो है हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं खास करके, वे ऐसा नहीं कि दे आर द डिफरेंट पीपल. जैसे अगर डिफरेंट पीपल हो, डिफरेंट कम्युनिटी के हो, डिफरेंट कल्चर के हो, उनके बीच में अगर कोई क्लैश ऑफ आइडियाज होता है तो एक चीज समझ में आती है कि शायद प्लूरलिटी की वजह से, प्लूरल कल्चर की वजह से, या इस तरह का एक क्लैश है. लेकिन यहाँ पे यू सी हियर दिस क्लैश within a family, you can just say among family members, आपके क्लैश देखते हैं. तो जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में जो प्ले लिखा गया है उसमें बहुत ज्यादा स्टेज डायरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है कि स्टेज को सजाया जाए, बैटल फील्ड जैसा तैयार किया जाए, एंड मैकबेथ विल कम, हैमलेट विल कम, किंग लियर का पूरा राजघराना साजो सामान.
उस तरह का नहीं है। जो मॉडर्न ड्रामा है, मॉडर्न एलजी जो है, मॉडर्न एलजी इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, यू कैन से लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, उनका जो लाइफ है उनके जीवन का रिफ्लेक्शन है। जहां पे आप क्या देखते हैं, जहां पे यू सी अनरेस्ट, यू सी एंग्जाइटी, यू सी ह्यूमिलिएशन, यू सी समथिंग, यू कैन से अब्यूजिंग अब्यूजिंग एलिमेंट्स, इवन फैमिली मेंबर्स यूज फॉर इच अदर, यू सी व्हाट, यू सी हैट्रेड फीलिंग्स, वहां पर आपको हैट्रेड फीलिंग्स नजर आएंगे। बट आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कम्युनल हैट्रेड फीलिंग, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आई एम नॉट सेइंग द वर्ड रेसियल इशू, इन सब से अलग हट करके जो है एक है। ये भी हम नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है जो हमें कहाँ नजर आता है, जो हमें अडाल्ट हाउस में नजर आता है डोरा के कैरेक्टर में, नो डॉट एट ऑल, वैसा भी नहीं है। छोटा सा परिवार है जिसमें जो है हस्बैंड वाइफ दो बेटे हैं, और दो बेटों के अलावा एक डॉक्टर कंसल्टिंग डॉक्टर है और एक सर्वेंट कैथलीन है। लेकिन यू सी की द पीपल आर लिविंग इन अ फैमिली, द पीपल आर लिविंग इन अ हाउस अंडर वन रूफ, फिजिकली प्रेजेंट दे आर, बट मेंटली दे आर नॉट विद विद ईच अदर, मेंटली दे आर नॉट विद ईच अदर। उनका जो विचार है वो अलग है, थॉट है वो अलग है, उनकी जो आइडियाज है वो अलग है, उनके उनके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जितनी भी सोच है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स अ बेसिक एलिमेंट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, जब भी आप ड्रामा को पढ़िए तो एक्सप्रेशनिज्म जो मूवमेंट है जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा वो आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा चीज आपको ध्यान में रख करके चलना है कि एक ऐसा ड्रामा है जो मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, अनरेस्ट, एंग्जाइटी, हैट्रेड फीलिंग, फिजिकली द पीपल आर विद ईच अदर बट क्लैश ऑफ आइडियाज, क्लैश ऑफ नोशंस, विचारों का एक तरह, इन सब का जो चीजें वो आपको अपने मन में इसको लेकर के चलना होगा, तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ड्रामा। अदरवाइज यू विल फील बोर कि बहुत कुछ है नहीं इसमें, इट्स नॉट अ कॉमर्शियल प्ले, या कोई कॉमर्शियल प्ले नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, वट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि यूजीन ओनील जो है उनका जो प्ले है, दैट इज वॉट दैट इज ए प्ले है, और इस प्ले का क्या नाम है, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, और प्ले आपका 1941 में आया है और 1956 में तक ये प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लिखा तो गया 1941 में लेकिन 1956 तक यह प्रोड्यूस नहीं हो पाया था, मार्केट में नहीं वो आ पाया था, स्पेशली 3 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, जैसा भी हम लोगों ने बात किया है। ही हैड ओरिजिनली स्टिपुलेटेड दैट इट वॉज नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड अंटिल 25 ईयर्स। एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि यूजीन ओनील ने अपने किस प्ले के लिए कहा था कि उनकी मौत के 25 साल बाद वो मार्केट में आना चाहिए। तो दैट इज वॉट दैट इज अ दिस प्ले। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यू कैन जस्ट गेट दीज पॉइंट हियर कि क्या क्या चीजें रही है जहाँ पे 25 ईयर्स का एक कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया हुआ है। और जब ये प्ले आया तो कहाँ पर आया, रॉयल ड्रामेटिक थिएटर में आता। वेयर डिड इट कम, इट कम इन रॉयल ड्रामेटिक थिएटर। दूसरा चीज जो है स्टॉकहोम रॉयल ड्रामेटिक थिएटर, स्वीडन, ऑल दीस थिंग्स यू सी, ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू सी हियर कि टेंथ को यू फाइंड कि एक और पॉइंट आता है, वह पॉइंट क्या है कि 10th जनवरी 10th फरवरी 10th फरवरी 1956 को देन यू फाइंड, ये सब तो ठीक है अपनी जगह है कि उसमें आया द प्ले ओपन टू मिक्स अप ऑल दिस थिंग, तमाम चीजें रही हैं। बट रिमेम्बर दैट कि प्ले का अल्टीमेटली जो पर्पस है, जो जिस्ट है, जो पॉइंट है, जो आपको समझने की जरूरत है, प्ले की जितनी भी चीजें हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें रही है, एक्सप्रेशनिज्म, क्लैश ऑफ आइडियाज, अनरेस्ट, एंग्जाइटी और एल्कोहलिज्म का, जो एल्कोहल का है और साथ ही साथ मॉर्फिन जो दवाएं हैं उन सब का यूज, उन सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वेन एवर यू गो, ये जरूरी नहीं कि जितना यहाँ पे लिखा गया उसको आप समझिए, बट आपको जो जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें इसमें रही है, इन पॉइंट्स को लेकर के आप चल सकते हैं।
जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पूरा प्ले में क्या कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स का नाम एक एक आप कह सकते हैं कि एक जगह पे लिखना रखना या उनको करना, दैट इज अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट। तो जब आप उस पे बात करते हैं तो कैरेक्टर्स को लेकर के यू फाइंड इट या व्हाट यू फाइंड कि एक फैमिली है और वो फैमिली का जो चीजें है वो लगभग 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 आप कह सकते हैं कि खुद इन्हीं की फैमिली या खुद राइटर का ही वर्क है। और इस प्ले के लिए इनको फोर्थ पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ था, फोर्थ पुलित्जर प्राइज। दिस थिंग्स वी सी नाउ व्हाट आई वांट टू से कि प्लॉट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप जान लेंगे तो सारा चीज आपके समझ में आ जाएगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो आपका प्ले है, सेट इन द लिविंग रूम ऑफ द टायरॉन शो लाइज समर टायरॉन। इट मीन्स दैट कि जो पूरा फैमिली है वह फैमिली RONE, व्हाट फैमिली, दैट इज द टायरॉन फैमिली, TYRONE, टायरॉन फैमिली। अब आपको एक चीज ये देखना है कि इस टायरॉन फैमिली में है कौन। प्ले का सेटिंग पता हो गया, 25 साल बाद पब्लिश होना चाहिए था ये भी पता हो गया, लिखा कब गया, कब मार्केट में आ जाता, ऑल दिस थिंग्स यू नो, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन जब ये टायरॉन फैमिली है तो टायरॉन फैमिली का क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट इज सेट इन द लिविंग रूम ऑफ द टायरॉन्स शॉर्ट लाइन समर होम इन न्यू लंडन। जो सेटिंग दिखाया गया कहां दिखाया गया, न्यू लंडन में कनेक्टिकट, ऑल दिस थिंग इन अगस्त 1912 का चीज है। 1912 means शुरुआती दौर मॉडर्न एज का। The play begins in the morning and ends late at night on the same day। इसका मतलब कि जो 24 hours का जो प्लेस का कॉन्सेप्ट है वो चीज इसमें फॉलो किया गया है कि the play begins in the morning and ends late at night on the same day। The work is divided into four acts। और दूसरा एक चीज ध्यान में रखना है, ये four act में traditionally जैसा play होता था five act में होता था या आप सर्दी बैंड थ्री एक्ट में रहा था, तो एक्ट का डिवीजन भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना। और एक्ट का तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट इज एक्ट, एक्ट इज नथिंग बट एक्ट मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले, जो प्ले में एक्शन होता है उसी के डिवीजन को एक्ट कहा जाता है। सो जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि जो प्ले है उसका जो सेटिंग है वो कहाँ पर है, लंदन में न्यू लंदन कनेक्टिकट अगस्त 1912, मॉर्निंग में शुरू होता है नाइट में एंड हो जाता है, सेम डे में एक दिन से ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, फोर एक्ट में है, एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। और लॉन्गेस्ट जर्नी इनटू नाइट ऑलरेडी टाइटल बता रहा है कि यह एक आयरोनिकल टाइटल है, आयरोनिकल टाइटल लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, एक रात गुजारना कितना ज्यादा लॉन्गेस्ट जर्नी जैसा लग रहा है। सो यू सी हियर, और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इट लार्जली कंसिस्ट ऑफ पेनफुल डिस्क्लोजर्स एंड एक्रीमोनियस एक्सचेंज अमंग द फोर फैमिली मेंबर्स। कितने फैमिली मेंबर्स है, एक फैमिली है, वो कौन सी फैमिली है, टायरॉन फैमिली है, जिसमें मेंबर कितने, फोर है, फोर फैमिली मेंबर्स है। एज मेजर क्राइसिस माउंट एंड फाइनली इनगल द फैमिली इन डिस्पेयर, सब्जेक्ट मैटर आपको क्या नजर आ रहा है, डिस्पेयर, मैंने आपको बताया डिस्पेयर है, नॉस्टैल्जिया है, होपलेसनेस है, These things you see, तो डिस्पेयर आपको दिमाग में लेके चलना है कि डिस्पेयर किनके किनके बीच में। आपको पूरा प्ले नहीं पढ़ना ना, तो कुछ करना है, वट एवर आई टेल यू, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें रही है, डिस्पेयर है, होपलेसनेस है, एलियनेशन है, एलोनलीनेस है, नॉस्टैल्जिया है, और पूरा फैमिली ऐसा लगता है कि सब नशे की हालत में है। लेकिन ये नशा दूसरे तरह का, वह कौन सा नशा है, फिजिकली दे आर लिविंग इन अ पार्टिकुलर हाउस बट मेंटली दे आर नॉट यूनाइटेड विद ईच अदर। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके विचार अलग अलग है, और एक टेंशन जो है पेरेंट्स का वो जो है बच्चों पर भी उसका असर देखने को मिलता है। अब सेंट्रल कंसर्न आर मेरी, जो मुख्य किरदार में है वो मुख्य किरदार कौन है, एक कैरेक्टर है मेरी जो कि माँ का रोल अदा की है, लेकिन ये मेरी जो है शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड, या हस्बैंड का जो जीने का तरीका है, हस्बैंड के पास समय नहीं है, वो ज्यादातर जो शिप पे या वहां पे ज्यादातर समय गुजारते हैं, थिएटर से जुड़े रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। तो जो मेरी है, मेरी का अपने हस्बैंड, अगर टायरॉन की बात की जाए कि टायरॉन से उसका बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है,
और ये बेरी और टायरॉन जो है, अगर इनडायरेक्ट वे में आप देखने की कोशिश करेंगे या बायोग्राफिकल स्टडी करेंगे या राइटर की जीवन से जोड़ेंगे, तो ये राइटर के जो माँ और बाप का जो लाइफ जैसा गुजरा था कुछ वैसा ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेन यू गो विद देयर, या वेन यू सी इट, वेन यू गो देयर, या जब आप उसको देखते हैं तो एक एक उसमें क्या नजर आता है, एक आपको मेरी का कॉन्सेप्ट है, मेरी के अलावा जेमी है, दैट इज द पॉइंट की मेरी, एंड यू फाइंड इट वेयर व्हाट की मेरी रिलैप्स इनटू मॉर्फीन एडिक्शन, मॉर्फीन नींद की दवा। मेरी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वह एडिक्टेड है, और किसका एडिक्शन है, मॉर्फीन का। और हर समय परिवार कैसे चल रहा है, पीपल आर हैप्पी आर नॉट, बेटे किधर जा रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहा है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो है परिवार में तो रह रहा है लेकिन उनका अपना जीवन के जीने का एक अपना अलग तरीका, और उसी तरीके पर वे जीवन जी रहे हैं, जिसमें एक एक प्रॉब्लम है किसके साथ, मेरी के साथ है, कि वह मॉर्फिन एडिक्टेड है। जेमीज कंटिन्यू डिसेंट इनटू इरिवर्सिबल, जो जेमी है, जो उसका बेटा है, उसके साथ एक दूसरी समस्या है कि जेमी कंटिन्यू डिसेंट इनटू इरिवर्सिबल डिसिपेशन एंड एडमंड्स ग्रिम डिस्कवरी दैट ही हैज ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा जो बेटा है एडमंड, उसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो अगर आप देखिएगा, अब आपके सामने समझ में आ जा रहा है कि एडमंड को क्या है, एडमंड को ट्यूबरक्लोसिस है, जेमीज का अपना अलग प्रॉब्लम है, जो जो माँ है वो मॉर्फिन एडिक्टेड है, जेमी भी क्या करता है, ड्रिंक करता है, जेमी भी ड्रिंक करता है, एडमंड का भी वही प्रॉब्लम है, फादर के साथ भी लगभग वैसा ही है, इवन फादर डोंट हैव टाइम, फादर डज नॉट हैव टाइम फॉर द फैमिली, ऑल दिस थिंग्स यू सी। तो व्हाट आई वांट टू से, ये जो था ये इंग्लैंड, उस इंग्लैंड के बारे में या उस अमेरिका को लेकर के आप बात करिए या सोचिए जो है, जहाँ पे कि आप ये देखेंगे कि इंग्लिश पीपल का लाइफ या अमेरिकन पीपल का लाइफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे चल रहा है, कहने के लिए कि डेवलप्ड नेशन था और उन लोगों ने रूल किया तमाम राष्ट्रों पर, और तमाम जो है उनके यहाँ डिस्कवरीज हुई, लेकिन फैमिली क्राइसिस एक बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे रहा है। फैमिली में अफेक्शन का प्रॉब्लम, लव का प्रॉब्लम, गुडनेस का प्रॉब्लम, वर्च्यू का प्रॉब्लम, डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यू, दीज थिंग्स यू सी देयर। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, वेन एवर यू रीड दिस प्ले, यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट, यू हैव टू टेक दीज पॉइंट इन योर माइंड, कि प्ले जो है एक आपको कल्चर के बारे में भी बताता है। प्ले जिस समाज में लिखा गया उस समाज का आईना है, उस सोसाइटी के हो सकता है कि पूरे समाज का आईना ना हो, तो समाज के किसी पार्टिकुलर सेक्शन का आईना हो, किसी क्लास का आईना हो, किस क्लास के लोगों का जीवन कैसे था, हाउ आर दे लिविंग, व्हाट आर दे डूइंग, दीस थिंग्स यू फाइंड, दीस थिंग्स यू सी देयर। सो आई जस्ट वांट टू से, व्हेनेवर यू गो, यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट। तो इतना आपको समझ में आ गया कि फैमिली कौन सी है, फैमिली टायरॉन फैमिली है, और उस टायरॉन फैमिली में एक मुख्य किरदार के रूप में कौन है, मेरी है, जो कि माँ का रोल प्ले की है, वाइफ भी है, उनके दो बच्चे हैं, जेमी है, और दोनों मेच्योर हैं, बड़े हो चुके हैं, एडमंड है, कोई बहू नहीं आप कह सकते हैं। उसी फैमिली में कैथलीन नाम की कौन रहती, कैथलीन नाम की एक नौकरानी भी है। तो पूरा प्ले अब आपको बस इतना ही समझ, मैं और बात करूंगा इस पर, लेकिन जितना मैंने बता दिया ये आपका समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ओनली द जिस्ट, और यही चीज आपको हर बार लिंक करना है। बाकी एक्ट वन में क्या होता है, टू में क्या होता है, थ्री में क्या होता है, ये तो आपके पास पॉइंट तो है ही है, यू कैन अंडरस्टैंड इट जब खुद से सेल्फ स्टडी करके, यू ऑल आर द ग्रेट स्कॉलर्स प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करना, लेकिन क्रिटिकली हाउ शमीम अंडरस्टैंड, हाउ शमीम टेक्स एंड हाउ अदर क्रिटिक्स हैव टेकन दिस प्ले एंड व्हाट डू यू सी देयर, तो ये चीजें मुझे बताना आपके साथ जरूरी था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए कि जो थोड़ा सा प्ले का ओपनिंग में बता दूं कि द प्ले विच ओपन जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का कल्चर हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ हो रहा, वेस्ट में हो रहा, तो उसका भी अपना एक तरीका होगा। बिगिंस ऑन होपफुल नोट एविडेंट इन द अफेक्शनेट एक्सचेंज बिटवीन जेम्स एंड मेरी टॉन, शुरू में जो है आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अफेक्शन दिखाया गया किसके बीच में, जेम्स और मेरी टायरॉन के बीच में, दैट इज टायरॉन फैमिली, फादर का नाम टायरॉन है इसलिए मेरी टायरॉन रखा गया, और इसी तरह से जेम्स टायरॉन रखा जाएगा और एडवर्ड टायरॉन रखा जाएगा, ऑल दिस थिंग्स यू सी। सो
The play, which opens just after breakfast, begins on a hopeful note evident in the affectionate exchange between James and Mary Tyrrell. But it is clear that Mary is being carefully watched by her family. It is clear that Mary is being carefully watched. परिवार के जितने लोग हैं वो मेरी पर निगरानी रखते हैं. What is the cause? Why the people just cast their eyes to understand Mary? क्यों लोग अपनी निगाहें उधर उधर फेर अपनी निगाहें देते हैं, फेंकते हैं, अपनी आईज को कास्ट करते हैं वहां पर टू अंडरस्टैंड मेरी. बिकॉज मेरी जो है वो क्या है, मॉर्फिन एडिक्टेड है. मेरी में एक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल इश्यूज उसके साथ है, वो साइकेट्रिक है, उसको किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है और वो मॉर्फिन एडिक्टेड है. तो द पीपल अल्टीमेटली जस्ट वॉच उसका उसका मैनर कैसा है, क्या चीजें हैं. हेड ऑफ द फैमिली, माँ का ये कंडीशन है. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि भारतीय परिवार की जो बातें की जाती है, जो संस्कार, हाउ मच इम्पोर्टेंट दैट इज. मेरी इज बींग केयरफुली वॉच बाई हर फैमिली. नीदर हर मॉर्फिन एडिक्शन नॉर एडमंड्स ऑब्वियस इल हेल्थ और ऑनेस्टली डिस्कस. एडमंड का हेल्थ का इशू किसके साथ है? एडमंड के साथ है. एडमंड किस चीज से, किस बीमारी से पीड़ित है? ट्यूबरक्लोसिस से. जेम्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? जेमी या जेम्स, दोनों एक ही, जेमी या जेम्स जो है वो भी ड्रिंक करते हैं. तो चार मेंबर है लेकिन चारों मेंबर का अपना अलग कितना अच्छी जो है उनकी यू कैन से कि हैबिट है या उनका जो डेली रूटीन है. कोई भी मॉर्फिन एडिक्टेड है, किसी को बीमारी दूसरा है, जेम्स अपना कुछ अलग प्रॉब्लम है. ऑल दिस थिंग्स यू सी. Now, obviously, ill health are honestly discussed. Instead, the characters spins around the truth with evasive banter, though at times resentment. ठीक है सब चीजें. Tyrone का चीज आप देखेंगे. Tyrone upbraids Jamie, his eldest son. Tyrone upbraids Jamie. Jamie उनका बड़ा बेटा है और Edmund उनका जो है छोटा बेटा है. For encouraging Edmund, the younger son, to follow in Jamie's dissolute footsteps. All these things. You see कि family है. Family में अब आपको character समझ में आ गया. कैरेक्टर क्या क्या है और उनके साथ क्या क्या दिक्कत है. मेरी माँ हो गई, टायरॉन फादर हो गए, टायरॉन के नाम पर ही जो मेरी टायरॉन या टायरॉन फैमिली, और उनका जो बड़ा बेटा जेमी है वो भी ड्रिंक करते हैं. एडमंड को ट्यूबरक्लोसिस है, हेल्थ इशू फैमिली में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेरी का है जो मॉर्फिन एडिक्टेड है, जो अपने पास्ट में है और वो बार बार ही कहती है कि मैं पास्ट में याद करती कि मैं एक अच्छी डांसर थी, अच्छी डांसर बनना चाहती थी लेकिन मैं अपने जीवन में बन नहीं पाई. तो वहां पे एक चीज ये दिखाया गया कि जो आपके सपने अधूरे हो जाते रहते हैं, पूरे नहीं हो पाते, ऐसा लगता है कि दिमाग के दिल या दिमाग के किसी एक कोने में भी हमेशा बैठे रहते हैं और आपको हमेशा याद आते रहेंगे. चाहे आप ओल्ड हो जाए, अगर कुछ आपके शौक या अरमान पूरे नहीं हुए हैं तो वे जरूर से जरूर आपको हॉन्ट करते रहेंगे. ऑलवेज की आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट, बट आई डिडेंट अचीव इट, मुझे नहीं मिला. चाहे वो आपका जो है ख्वाब अरमान आपके करियर को लेकर के हो, चाहे आपके लव को लेकर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो. एवरी डे दैट विल नॉक यू, दैट विल नॉक योर डोर. और कौन सा डोर? दिल या दिमाग का ही डोर हमेशा खटखटाएगा. ये एक इशू है जो देखा जा सकता है, जिसको लेकर के मेरी में डिस्कस किया गया है. Then you see what, कि all these things we find कि हाँ ये सब चीजें ठीक है, सेल्फ कंट्रोल. लेकिन थोड़ा सा एक्ट टू में अगर आप देखेंगे, एक्ट टू में एक पॉइंट आता है. द सीन ओपन्स जस्ट बिफोर लंच. एडमंड एंड जेमी स्नीक सम ऑफ देयर फादर्स विस्की. विस्की कल्चर वेस्ट का वी कैन अंडरस्टैंड. एंड मेन रिजॉर्ट टू जेमीज यूजुअल ट्रिक्स ऑफ वाटरिंग एंड रिमेनिंग विस्की टू डिस्गाइज देयर एक्शन. देयर डिस्कशन शिफ्ट फ्रॉम एडमंड्स हेल्थ. और अब डिस्कशन में क्या आया एक्ट टू में, एडमंड का हेल्थ सेंटर में. टू देयर फियर्स अबाउट देयर मदर. उन लोगों की ये डर लगता है कि माँ को पता होगा तो क्या करेगी या क्या चीजें. और फिर जेमी क्या करेगा, अभी अपने फादर पर इस चीज को लगाएगा. और जेमी के साथ साथ उसकी माँ मेरी भी, की जो फादर है वो माइजर है, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किए. तो एडमंड का जो हेल्थ का इशू है ये एक, और आप इसे कह सकते हैं इट्स अ फैमिली ड्रामा. और फैमिली ड्रामा में जो अलग अलग किरदार है, अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग उनकी सोच है, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है. देन यू कम जेमी ग्रोज डिस्ट्रॉट बिकॉज एडमंड हैज लेट मेरी स्टेप स्टेप बाय हर व्हेन शी एंटर्स. तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं कि एक इशू का डिस्कशन हुआ. वह इशू क्या था?
हेडमन का स्वास्थ्य को लेकर के। एक्ट टू सीन टू को लेकर के बात की गई है, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा एक कैरेक्टर है डॉक्टर हार्डी। डॉक्टर हार्डी से ये लोग कंसल्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए, किसके डायग्नोसिस के लिए, एडमंड को डायग्नोसिस के लिए कि एडमंड को ट्यूबरक्लोसिस है और ये प्रॉब्लम है। तो एक कैरेक्टर आपको ये भी ध्यान में रखना वो कौन सा कैरेक्टर है, डॉक्टर हार्डी का। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ठीक है ये सब चीजें यू कैन रीड कि कैसे डिस्कशन होता है, क्या चीजें होती हैं और उसमें क्या क्या चीजें आ रही है। All these things you see. Now I'd like to go with that card. It is clear evening and Mary has sunk further into her drug-induced detachment. What do you find? Drug-induced detachment from reality, which like the gathering fog outside, hides from the world. She is alone with Kathleen the servant. एक यहाँ पे नौकरानी है। अभी डॉक्टर का हार्डी का जिक्र हुआ और एक नौकरानी, शी इज अलोन विद कैथलीन, CATHLEEN, कैथलीन और उसका सर्वेंट वहां पर जो है चीजें हैं। ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड, जस्ट आई वुड लाइक टू रीड हियर, द सर्वेंट हु हैड एकंपनीड हर ऑन हर ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल राइड इनटू टाउन टू ऑब्टेन मोर मॉर्फीन, मॉर्फीन एक प्रॉब्लम, शी कन्फाइंड्स इन द गर्ल ट्रीटिंग हर लाइक अ चाइल्डहुड फ्रेंड। She confides in the girl treating her like a childhood friend while plying her with Tyrone's whiskey. She tells the servant about her early hopes. मैं यही बार बार बता रहा था। She tells, वह अपनी इस बात को किससे शेयर करती है? She tells the servant. Who tells the servant? She tells the servant. And she tells the servant का क्या मतलब हुआ कि आपका मेरी मेरी servants को क्या करती है, अपने अर्ली होप्स को शेयर करती है उसके साथ जो है सर्वेंट्स। उसका अर्ली होप क्या था मैंने आपको बताया कि शी वांट्स टू बी अ डांसर, तो शी हैज सम सम यू कैन से सम 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 ब्यूटीफुल ड्रीम्स जो उसके अपने थे, एक एक तस्वूर के रूप में, ख्याल के रूप में आते हैं, लेकिन वह जो पूरा नहीं हुए। तो जो पूरा नहीं हुआ है वह या तो करेगी, ऐसी उसकी इच्छा होगी कि काश मैं ये कर पाई होती, ऐसी जीवन में जी पाया होता या कर पाया होता, या तो वह उसको, तो वह उस ख्याल को किससे शेयर करती, कैथलीन से। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्यों, कारण है कि उसके हस्बैंड के पास समय नहीं है और उसका हस्बैंड इन सब चीजों पर तवज्जो नहीं देता। उसकी अपनी एक लाइफ है कि मेरा जीवन का ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे इस दिशा में चलना है, और क्या विजन, क्या मिशन, क्या ख्वाब, क्या चाहत, क्या चीजें आप मेरी का है, उसको हस्बैंड से, हस्बैंड को इससे कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही है रिश्तों की बिगाड़ में है। तो यू फाइंड हियर कि एंड हर रोमांटिसाइज्ड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ टायरॉन, और वो ख्याल करती कि कैसे जो पहला इंप्रेशन टायरॉन का उसके साथ हुआ था गॉन डेज को लेकर के। After Kathleen leaves to resume her duties, Tyrone and Edmund enter. Tyrone और Edmund आना, both have been drinking. Tyrone और Edmund आते, दोनों पिए हुए, both have been drinking and continue to imbibe while Mary drifts through a reverie on Jamie's alcoholism. Her early married life on the itinerant hotel hopping theater circuit. So these things you find कि मैंने बताया पूरे family drama में एल्कोहलिज्म का कॉन्सेप्ट, देन यू फाइंड रोमांटिक ख्याल कब का, गॉन डेज का, जो रियलिटी है उसमें नहीं जीना चाहते, जो चल रहा है उसमें सुधार नहीं लाना चाहते, बल्कि किसमें व्यस्त है, जो जा चुका है, जो वापस नहीं आएगा, उसको सोच करके अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द ड्रामा कि हाउ द पीपल आर किलिंग देयर टाइम जस्ट थिंकिंग अबाउट पास्ट, व्हाट दे वांट टू बी इन गॉन डेज एंड दोज ड्रीम्स दे कुड नॉट फुलफिल या दोज ड्रीम्स could not turn into reality. मेरी खास करके वही सोच रही है। और अब जो सेंटर में होंगे वो कौन होंगे, टायरॉन होंगे, और माँ और बेटे दोनों टायरॉन को उनकी अपनी चीजों को लेकर के बात करेंगे। दूसरा एक पॉइंट आता है, सीधे सीधे हम एक्ट फोर में आते हैं। इट इज अराउंड मिडनाइट, टायरॉन मोरोज एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट इन एन एल्कोहलिक, एल्कोहल का awkwardly attempts to play solitaire, Edmund enters. वो सब ड्रिंक किए हुए हैं, वही सारा चीज अब जो पूरा एक दूसरे पर गुस्सा निकालेंगे। खास करके मैं यहाँ पे Edmund continues reciting depressing poetry. Edmund को tuberculosis है और वह continues depressing poetry and fueling his father's anger. Depressing poetry करता है और उसके father का anger जो है बढ़ता जाता है। These things you see. तो फैमिली में अब एक लड़ाई झगड़ा होगा, नो हेल्दी रिलेशनशिप, नो वॉक, नो टॉकिंग विद
ईच अदर, बट एक दूसरे को लेख देख करके लोग जल रहे हैं गुस्से में, तो इसी से पता चलता है कि फैमिली कैसे बर्बाद होती है। फैमिली का केवल नाम है, बट मॉडर्न एज में व्हेन द पीपल आर टेकिंग द हेल्प ऑफ विस्की का, मॉर्फिन का, एडिक्शन का, ड्रिंक का, तो फैमिली विल कोलैप्स, वो सारा चीज जो वहां पे दिखाया गया। देन यू सी, अब कुछ नहीं है, बाकी आप अपना पढ़िएगा, जितना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैं बस केवल डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा एक यहाँ पे मैं लास्ट में चलना चाहूंगा कि इसका थीम क्या, जो मैंने आपसे डिस्कस किया एलियनेशन एंड एलोनलीनेस, आप देख सकते हैं फैमिली में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबका रिलेशन इसी पर है, एलियनेशन और एलोनलीनेस को लेकर के। डिसेप्शन, धोखा भी है। गॉड एंड रिलीजन में उनका क्या विश्वास है। गिल्ट एंड इनोसेंस है। लॉयल्टी है। मेमोरी एंड रिमिनिसेंस है। मॉरल करप्शन है। दीज थीम्स यू सी इन द प्ले वेन एवर यू गो। और सबसे बार बार मैं एक बात कहूंगा, एक्सप्रेशनिज्म, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा उस मोमेंट को लेकर के, एक्सप्रेशनिज्म, ये सब चीजें रही है। तो यू कैन जस्ट गो विद दिस थिंग, नथिंग यू फाइंड इट हियर। तो आई हैव डन, आई थिंक कि क्लास तो छोटी ही रही है, अब उसमें अपने आप से क्या बढ़ाएंगे, इतना सारा चीज रहा है आपको समझने के लिए। तो होप आई विल मीट यू टुमारो, इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल टुमारो, अगर विनोद जी की क्लास होगी तो फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्रेशनिज्म पे बात करेंगे। एक और ड्रामा डिस्कस करने के बाद हमें दिया गया सलाह कि मैं क्वियर थियरी पे, जेंडर स्टडीज पे बात करूँ। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी।